हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जसमाना का एक सॉन्ग का खर्चा कितना आता है मैक्सिमम। सो बने रहिएगा फुल वीडियो तक। लेट्स फॉर वीडियो, चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। सो जसमाना आज के जनरेशन में कितने बड़े सिंगर्स हैं, सो आई थिंक आप जान चुके होंगे। उसके लहंगा, पराठा, सूट पंजाबी, बटरफ्लाई और भी कई अमेजिंग सॉन्ग्स आप लोगों ने सुने होंगे। सो आपको पता भी होगा कि जसमाना कितने बड़े सिंगर भी हैं। एंड कई लोगों के क्वेश्चन होते होंगे कि इतना फीस है, क्या है। एंड यही क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन लाया है कि जसमाना का एक सॉन्ग बनाने में कितना वैसा खर्चा आता है। सो एंड ऐसा हम प्रूफ के साथ ही बताएंगे। सो जसमाना का कई सॉन्ग्स आप लोगों ने सुना होंगे, भले पहले वाले सॉन्ग्स में कम पैसे लगते थे, जैसे कि 7 से 8 लाख 9 लाख, बट अभी के जो हाई बजट जैसे कि 15 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे ऐसे बजट के जसमाना के सॉन्ग्स बनते हैं, बाकी उनकी फीस को छोड़ के। सो 2019 से उनका सॉन्ग की जो खर्चा आता था उनकी बात की जाए तो जसमाना का एक सॉन्ग आया था फ्याज, जिसका लगभग टोटल खर्चा हुआ था 15 लाख का। एंड उन्होंने अपना टोटल अर्निंग्स किया था 27 लाख का। एंड वहीं दूसरी ओर उनका साल में लहंगा सॉन्ग आया था जिसका बजट लगभग से बताया जा रहा था, वहीं लहंगा सॉन्ग का फीस बताया जा रहा था 45 लाख के आसपास। बट जसमाना ने नहीं सोचा था कि ये सॉन्ग लगभग 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर देगा। एंड इस सॉन्ग ने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल कमाई किया था। फिर बहुत सारे सॉन्ग्स आए। आप बात करें उनके एल्बम का, तो जसमाना ने 2 से 3 एल्बम दिए। एज 99 का तो मैंने बता दिया। अब आते हैं नो कॉम्पिटिशन। सो नो कॉम्पिटिशन का बजट हाई हो सकता है क्योंकि नो कॉम्पिटिशन को दुबई में शूट किया गया था। आई थिंक आप जानते भी होंगे उस टाइम कोरोना था तो इंडिया पे नहीं हो पाया। सो जसमाना का नो कॉम्पिटिशन जो वीडियो था उसको शूट करने में लगभग से क्रॉस 30 लाख रुपीस फीस चार्ज हुआ था। एंड जसमाना के अलग से कुछ फीस थे, बैड मुंडा को कम से कम अक्रॉस ऐसे ही थोड़े बहुत पैसे में खर्च किया गया था, उसमें लगभग से 15 से 20 लाख रुपीस खर्च आया था। बाकी जसमाना के जो फीस थे जो आर्टिस्ट के, उसको साइड में रखे तो बजट ऐसा होता है ना, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, मैंने जस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जो फीस होते हैं उसको नहीं डाला, मैं ओनली खर्चा बता रहा हूँ जो सॉन्ग्स में आते हैं। अगर फीस डालूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यही थे जसमाना के जो अपने सॉन्ग्स में इतने ज़्यादा खर्चा करते हैं, बाकी इनके जो फीस अगर जोड़े तो लगभग आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हाई बजट हो जाता है। तो जसमाना का जो जो सॉन्ग का बजट होता है वो मैक्सिमम इतने ही होता है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड उन्होंने अपने जेड प्रेस मूवी का भी बजट बहुत ही हाई लेवल था, आई थिंक आप जानते होंगे 8 करोड़ था। एंड वो मूवी भी अच्छी थी, आपने देखी भी होगी। एंड यही है जसमाना का एक सॉन्ग का एंड खर्चा उनका इतना ही होता। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।